सीमाओं का खत्म हो जाना कम से कम ये मतलब नहीं रखता कि कुछ छुट्टी मिली या कुछ अरसे के लिए काम ढीला पड़ा, बल्कि सच पूछो तो चुनाव एक मानी में सोशलिस्ट पार्टी के काम में दखल की शक्ल में आए थे। वक्त पूरा नहीं मिल पाया था, तो जो भी हुआ हो आज की इस मीटिंग से, और खास करके इसलिए यह हैदराबाद में हो रही है जहां सोशलिस्ट पार्टी का सदर दफ्तर है, हिंदुस्तान के लोगों से और सोशलिस्ट पार्टी के लोगों से ये कह देना है कि अपना काम पूरी तरह से जारी है और किसी तरह की छुट्टी का सवाल उठता नहीं। यह सही है कि चुनावों के नतीजे पर कुछ मोटी मोटी बातें जान लेना जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो अब तक चुनावों के नतीजे निकले हैं और करीब करीब सारे निकल चुके हैं, कुछ थोड़े बहुत बाकी हैं, उनसे इतना साफ है कि 5 बरस में मामला कुछ बदला नहीं, मोटे तौर पर जैसा था वैसा ही रह गया। करीब करीब वही हालत हिंदुस्तान की जनता ने दोहराई है 1957 में, जो उसने 1951 में किया था। 5 बरस के अरसे में जो कुछ भी मुल्क में हुआ हो उसका नतीजा जनता ने चुनावों से तो यही निकाला कि जो कुछ था 5 साल पहले उसी को दोहराओ। हो सकता है कि कुछ चूहों में इधर या उधर फेर फेर हुआ हो, लेकिन सारे मुल्क के पैमाने पर और अब तक जो नतीजे निकले हैं उन पर आप जरा गौर करना, और खास तौर से इसलिए कि 5 साल पुरानी बात को लोग भुला दिया करते हैं और खुद अखबार वाले भी वक्ती खुशी या नाखुशी, जोश या ठंड में वक्ती बात कह जाया करते हैं। इसलिए जरूरी है कि मैं आपको बताऊं, 1951-52 के चुनाव में लोकसभा में कांग्रेस के 364 आदमी चुने गए थे और जो तीन अजीब उनका नाम दिया गया है लेकिन जिनको सरकार ने मान लिया है, आप जो कुछ भी उन्हें आप समझे, जनसंघ, कम्युनिस्ट और प्रजा, इन तीन पार्टियों के 56 आदमी थे और बाकी स्वतंत्र और दूसरी पार्टियों के 69 लोग थे। तो इसे आप याद रखेंगे, कांग्रेस के 364, इन तीनों और पार्टियों के 56 और बाकी लोग 69 स्वतंत्र और दूसरी पार्टियों के। अब तक जो नतीजे निकले हैं 290 कांग्रेस के हुए हैं, 39 इन तीनों पार्टियों के हुए हैं, 57 बाकी सब हो चुके हैं। ऐसा मालूम होता है कि बिल्कुल दोहराया गया, 5 साल में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। पहले कम्युनिस्ट प्रजा और जनसंघी 56 थे, अभी तक 39 हुए हैं, और अगर इनकी बहुत तकदीर अच्छी रही तो जो बाकी और
150 नतीजे आने वाले हैं, 56 तक पहुंच जाएं तो बहुत कमाल हासिल कर लेंगे। ये बिल्कुल जहां के तहां पड़े रह गए, एक कदम आगे बढ़ नहीं पाए। इनमें से कुछ तो खैर पीछे हटे हैं, उसको अभी मैं कह देता हूं, लेकिन बुनियादी तौर पर सारे हिंदुस्तान का नक्शा अपने दिमाग में अगर हम लोग रखें तो अच्छा होगा। वोटों के हिसाब से भी अभी तो मैं शर्तियां नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद कोई हेरफेर नहीं हुआ है। कांग्रेस को पिछले चुनाव में 49 सैकड़ा वोट मिले थे, अगर हेरफेर हुआ भी होगा तो एक सैकड़ा इधर या उधर। उसी तरह जो सारे हिंदुस्तान की विधानसभाएं हैं उनमें पिछली बार जबकि 3,280 जगहें थी, कांग्रेस को 2,247 जगहें मिली थी। 3,200 में 2,247 हजार बाकी लोगों को। अब की बार जबकि 3,102 जगहें हैं, कांग्रेस को 1,961 जगहें मिल चुकी हैं, कोई 2,000 के आसपास रहेगा। ऐसा मालूम होता है कि जादूगर ने सब रख रखा था कि जो पिछली दफे हुआ है उसी को दोहरा दो। और उसी तरह से जो और पार्टियां हैं उनके भी 450 के करीब अब तक 434 हो चुके हैं इन तीनों पार्टियों के, और 602 बाकी स्वतंत्र और दूसरे लोगों के। तो इससे ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि हिंदुस्तान की जनता ने मोटे तौर पर वही 57 में किया जो उसने 51-52 में किया था। मोटे तौर पर कुछ तब्दीलियां हुई और उनकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचे देता हूं। मोटे तौर पर कम्युनिस्ट भी सारे मुल्क के पैमाने पर अगर देखा जाए तो पीछे हटे, क्योंकि जब कोई पार्टी अपनी पुरानी जगह पर ही खड़ी रह जाती, आगे नहीं बढ़ पाती, तो समझ लेना चाहिए वो बंद गई और उसके पीछे हटने के दिन आ गए। तो मोटे तौर पर हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी बंद गई या पीछे हटी, लेकिन एक जगह उसकी ताकत समिट करके बड़ी हो गई और वो जगह है केरल। ऐसे ही एक और इलाका है जहां पर जिस तरह से वामपंथी दकियानूसियों को केरल में मौका मिला, वैसे ही दक्षिणपंथी दकियानूसियों को ओडिशा में जगह मिला। ओडिशा में गणतंत्र परिषद के काफी लोग आ चुके हैं, जो कि वो सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनी, लेकिन फिर भी उसके हाथ में ये ताकत आई कि वो कुछ फैसला कर सके। केरल में बाएं बाजू के दकियानूसी, ओडिशा में दाएं बाजू के दकियानूसी। दाएं बाजू के दकियानूसियों के बारे में कुछ कहते हुए इतना मैं बता दूं कि जो धर्म और मजहब पर पार्टियां चलती रही हैं हिंदुस्तान में, वो पहले भी कुछ नहीं थी, इस चुनाव में भी कुछ नहीं रही। उनको तो सिर्फ कांग्रेसी सरकार और पार्टी ने एक हथकंडा बना रखा है कि चुनाव के मौकों पर खूब उसके बारे में जोश चढ़ा करके अपने लिए वोट हासिल कर लिया कर। वरना जनसंघ, हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद, ये तो एक तरह से मरती हुई पार्टियां कम से कम चुनाव की निगाह से साबित हो चुकी। लेकिन ऐसी पार्टियां जो इलाके के बुनियाद पर खड़ी, या संस्कृति और तहजीब, या पुरानी कोई ऐसी चीज, उड़िया संस्कृति, या समझो मराठी संस्कृति, या समझो आदिवासी इलाका, इलाका या जबान या संस्कृति को लेकर जो दकियानूसी पार्टियां बनी हुई हैं वो अभी तक खत्म नहीं हो पा रही हैं, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि हिंदुस्तान की जनता इन दोनों की आखिरी कसौटी कर लेना चाहती है। एक तो जबान, इलाका और संस्कृति के बुनियाद पर खड़े हुए दकियानूसी लोग, और दूसरे कम्युनिज्म की बुनियाद पर खड़े हुए दकियानूसी लोग, इन दोनों की आखिरी परख कर लेना चाहिए।
अब मैं कोई पेशींगोई पूरी तरह से तो नहीं करना चाहता, पता नहीं केरल में क्या होगा, और उसी तरह से उड़ीसा में भी। ये सही बात है कि गणतंत्र परिषद उड़ीसा की राजाओं की पार्टी, लेकिन आखिर को पुश्तैनी राजा और कांग्रेस के नए राजा, इनमें कोई बुनियादी फर्क तो है नहीं, और इसलिए मैं शर्तिया नहीं कह सकता कि ये पुश्तैनी राजा इन नए राजाओं से ज्यादा बुरे साबित होंगे। उतने ही बुरे हों या उतने ही अच्छे हों या कम ज्यादा अच्छे हो जाएं, तो खैर उसके बारे में कोई खास बात मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि अगर इन पुश्तैनी राजाओं ने ज्यादा भ्रष्टाचार दिखाया या कम भ्रष्टाचार दिखाया, तो उसका असर कांग्रेसी सरकारों पर पड़ सकता है। बुनियादी चीज है केरल, वहां क्या होगा। एक मानी में अच्छा हुआ कि कम्युनिस्टों को यह मौका मिला। मुझे तो एक हद तक ये चीज पसंद आई, एक हद तक मैं कह रहा हूं, क्योंकि आखिर को मैं भुला नहीं सकता कि कम्युनिज्म किस चीज के लिए खड़ा हुआ है, कौन सी बातें वो दुनिया में और हिंदुस्तान में लाना चाहता है। लेकिन कम्युनिज्म के सामने दुविधा आ खड़ी है, क्या करें। मुल्क में तब्दीली लाएं या पुराने ढर्रे पर चलें। ज्यादा तब्दीली लाने में खतरा है, कहीं दिल्ली ना नाराज हो जाए, कहीं लोग ना नाराज हो जाए। ऐसा ख्याल किया जाता है कि दिल्ली की सरकार और हिंदुस्तान के लोग बहुत ज्यादा तब्दीली से घबराते हैं और वो पुराने ढर्रे पर चलना चाहते हैं, तो इसलिए कोई बड़ी क्रांतिकारी तब्दीली लाने या पुराने ढर्रे पर चले। और आप देखते होंगे कि अभी से खुद कम्युनिस्टों के अंदर इस मसले को लेकर के आपस में कहासुनी और खुल्लन खुल्ला होने लग गई। कुछ ऐसे हैं जो निजाम और विधान के मातहत रह करके राज चलाना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की जनता के जीवन में तब्दीली लाने के लिए अपने जरूरी कदम उठाना चाहते हैं, चाहे वो विधान के मातहत हो या न। तो विधान के मातहत चले, पुराने ढर्रे पर चले, सरकार को और लोगों को भड़काएं न, या इनकलाबी तब्दीली करें। ऐसा मालूम होता है कि बैल के दो सींग में किसी न किसी एक सींग पर कम्युनिस्टों को अब फंस जाना पड़ेगा। अगर वो शांति, अमन, स्टेबिलिटी, विधान की मातहती के नाम पर अपने सरकार को पुराने ढर्रे पर चलाते हैं, तब हिंदुस्तान की जनता को आईने की तरह साफ हो जाएगा कि ये कौन लोग। और अगर ये तब्दीली लाने के लिए कोई ठोस कदम उठाते हैं, और क्योंकि अहिंसा में इनका विश्वास नहीं है, इसलिए इनकी तब्दीली तो किसी और ढंग की हो सकती है, तो हिंदुस्तान की जनता को पता चल जाएगा कि इनका असली रूप क्या है। तो इसलिए अच्छा हुआ कि केरल में कम्युनिस्टों को यह मौका मिला। फिर भी मैं ये कह देना चाहता हूं कि अगर कम्युनिस्टों ने केरल में कोई ऐसा काम किया कि जिससे हिंदुस्तान की जनता का भला हो, और कोई ऊपरी और छिछले तौर पर नहीं, क्योंकि आप याद करो कि जब वो 19 आदमियों की प्रजा सोशलिस्ट सरकार केरल में बनी थी, तब उसने भी 500 रुपए महीने अपने मंत्रियों के लिए लिया था। तो ये ऊपरी और छिछले काम तो बहुत से लोग कर दिया करते हैं, लेकिन 500 रुपए महीने मंत्रियों के करके आखिर वो मंत्री गोली चलाना तो जानते थे ना, 500 रुपए महीने करके भी। तो ये सब चीजें तो हो चुकी हैं, अखबारों में इसके ऊपर बहुत ज्यादा हल्ला मच सकता है, लेकिन फिर भी अगर कोई उन्होंने बुनियादी अच्छा काम किया तो ठीक है, क्यों ना उस रास्ते पर हिंदुस्तान की जनता चले। लेकिन मुझे जहां तक मालूम पड़ता है,
जो उनको मौका केरल में हिंदुस्तान की जनता ने दिया है वो एक आखिरी कसौटी और मौके की तरह है। बाकी हिंदुस्तान से उनको कुछ थोड़ा बहुत पीछे हटाया है जनता ने, सिर्फ एक जगह उसकी ताकत को समेट करके मौका दिया कि दिखाओ क्या कर सकते हो। यूं पीछे समटे क्योंकि आप याद करो कि पिछले चुनाव में 5 साल पहले दिल्ली की लोकसभा में 31 कम्युनिस्ट चुने गए थे, अब तक कुल 23 चुन पाए हैं। मामला बड़ा नाजुक है। कोई शिनगोई करने की जरूरत नहीं, कल परसों तक पता चली जाएगा कि 31 तक ये पहुंच पाते हैं या नहीं। 31 के आगे जाना तो कुछ मुश्किल ही मालूम होता है। और फिर मैं दोहरा दूं कि जब कोई पार्टी पहले ही 31 रही हो 500 में से और उससे भी घट करके 23 या 27 या 28 हो जाए और 5 साल के मौके को पाते हुए, तो यह समझ लेना चाहिए कि अब उसको हिंदुस्तान की जनता कोई बहुत बड़ा मौका नहीं देना चाहती। जनसंघ के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना, आपको पहले ही कह चुका, 3 से 1 वो हो गए हैं। जहां तक लोकसभा का सवाल, 5 साल पहले 3 थे, अब की बात 1 है, बहुत उनकी तकदीर अच्छी हुई तो 2-3 हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 तक पहुंचे। यह मेरा इरादा नहीं था कि एक और पार्टी के बारे में ज्यादा कुछ कहूं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी उसका हाल तो कुछ बेहाल सा हो गया। 5 साल पहले लोकसभा में 22 चुने गए थे और 5 साल में जो उन्होंने 22 इलेक्शन जीते थे, अगर उनको शामिल किया जाए तो शायद 28-27 तक हो गए थे। अभी तक उनकी कुल तादाद 16 हो पाई। 5 साल पहले हिंदुस्तान की सभी विधानसभाओं में 205 चुने गए थे, अभी तक उनकी तादाद कुल 195 के आसपास हो पाई। सारी आत्मा और रूह को बेच देने के बाद भी अपना पूरा शरीर भी वो न बचा पाए, जब ऐसी पार्टी हो जाए तो फिर क्या। अभी मैंने कहा आत्मा बेच डाली। आप जानते ही हो कि करीब करीब सब जगह इस प्रजा पार्टी ने और सब पार्टियों के साथ गठबंधन किए, समझौते किए, मिलकर के चुनाव लड़े और ऐसी अपनी आत्मा को बेचा कि कहीं मुस्लिम लीग, कहीं जनसंघ, कहीं कम्युनिस्ट, कहीं और कोई, जो कोई मिला उसके साथ गांठ बांध करके खड़े रहे कि कहीं बह न जाए। कम से कम उतनी सीटें तो बचा के रखो जितनी पिछली दफे मिली। आत्मा बेच देने के बाद भी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी अपने पुराने शरीर के फैलाव को बचा न सकी। अगर आत्मा बेचने के बाद उसने कम से कम अपने मेंबरों की, विधानसभा और पार्लियामेंट के सदस्यों की तादाद बढ़ाई होती तो मेरे जैसा आदमी बुरा जरूर मानता कि उसूल छोड़े, लेकिन एक राजकीय आदमी की हैसियत से इससे ये जरूर कहता कि चलो भाई खेल तो अच्छा खेल गए, कुछ हासिल तो कर लिया। अगर वो 205 के 400-500 हो गए होते और 22-25 के 50 हो गए होते तो मेरे जैसा आदमी कहता सही है कि इसने अपनी रूह और अपनी आत्मा बेच डाली, लेकिन कम से कम कुछ फायदा तो हासिल किया। यहां तो गुनाह तो लज्जत को के रह गया, बात तो कर डाला लेकिन बात के जो मजे मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। मैं इन 3 पार्टियों के बारे में जो नतीजे निकले हैं उसकी बुनियाद पर यह कह देना चाहता हूं कि
कि हिंदुस्तान की जनता का फैसला बिल्कुल साफ है कि इन तीनों में से कोई भी पार्टी इस लायक नहीं कि कांग्रेस के मुकाबले में उसको खड़ा किया जा सके, चाहे वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे वो जनसंघ हो और चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, इन तीनों में कोई उस लायक नहीं। और इन तीनों को हिंदुस्तान की सरकार ने विधान को तोड़ करके एक हैसियत दे रखी रिकग्नाइज्ड पार्टी की। सरकार की तरफ से इनको मान मिला हुआ है और इतना मान मिला हुआ है कि सोशलिस्ट पार्टी के अगर कोई उम्मीदवार कहीं जीतते हैं तो रेडियो, अखबार और इलेक्शन कमीशन तीनों को कुछ ऐसी ही झिझक होती है जैसे कुछ हिंदू औरतों को अपने खादिम का नाम लेने में। वो ये नहीं कहते सोशलिस्ट पार्टी का आदमी जीता, स्वतंत्र जीता, अगर बहुत हिम्मत हुई बीबी साहिबा जी बता देंगे ऐसा स्वतंत्र जीता जिसको सोशलिस्ट पार्टी की मदद थी, अगर और हिम्मत हुई तो फिर सोशलिस्ट पार्टी का नाम न लेगी लेकिन मेरा नाम ले लेंगे। आजकल तो मैं ये देख रहा हूं कि पिछले महीने डेढ़ महीने में शायद सारी जिंदगी में जितना मेरा नाम न छपा होगा उतना आपकी बातें छपा, सिर्फ इसलिए ये बीवी साहिबा को सोशलिस्ट पार्टी का नाम लेने में तो जरा झिझक मालूम होती है। इलेक्शन कमीशन, हिंद सरकार, रेडियो और हिंदुस्तान के अखबार सीधा नहीं लिखेंगे, इंडिपेंडेंट लिखेंगे, लोहिया लिखेंगे, यहां तक कि कई जगह तो ऐसा लिखा हुआ मैं पढ़ता हूं कि 10 लोहिया जीत गए तब तक फिर मुझको खुशी होती कि चलो अच्छा ही है जीत गए भाई, कहीं 10 जीत गए, कहीं 23 जीत गए, कहीं 25 जीत गए। तो है इलेक्शन कमीशन ने और हिंदुस्तान की सरकार ने कुछ ऐसा सिलसिला चला रखा है कि हिंदुस्तान की तीन पार्टियों को एक खास रुतबा दे दिया है और ऐसा रुतबा कि बाकी जितनी पार्टियां हैं उनको बिगाड़ो, बढ़ने न दो, उनका नाम भी ठीक तरह से न दो, उनके रास्ते में रुकावट डालो, अड़चने डालो। अब मैं उन अड़चनों का कहां तक आपको जिक्र बताऊं, एक तो मैंने आपको बताया कि अब तक सोशलिस्ट पार्टी के सारे हिंदुस्तान में करीब 57-58 तो विधानसभाओं में जीत चुके हैं, 8 पार्लियामेंट में जीत चुके हैं, लेकिन वही नाम न लेने की आदत, झिझक, इसलिए 58 को कभी 30 कर देंगे, कभी 32 कर देंगे, कभी 40 कर देंगे, 8 को कभी 4 कर देंगे, कभी 6 कर देंगे, और मुझे खुद नहीं मालूम, मुमकिन 8 के 9 भी हो गए हों क्योंकि 1 के बारे में अभी मुझे मालूम नहीं है क्यों आफ्तार वगैरह सब जगह से तो आ ही नहीं जाया करते। तो इस सिलसिले में कुछ मोटी सी बात आपसे कह दूं कि हिंदुस्तान के विधान को इस सरकार ने कदम कदम पर तोड़ा है। अगर हिंदुस्तान के हाई कोर्ट और दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट हिम्मत करे, मुकदमा तो उनके सामने ही जाएगा, तो आप यकीन रखिए जो चुनाव 57 के हुए हैं वो रद्द करार किए जाएंगे। क्योंकि किस बुनियाद पर हुए, हरेक पार्टी को और इंडिपेंडेंट को और उम्मीदवार को एक चुनाव निशान दिया गया। आप जानते हो कि कांग्रेस, जनसंघ, कम्युनिस्ट और प्रजा पार्टी इन चारों को बने हुए चुनाव निशान है। कांग्रेस दल, प्रजा पार्टी झोपड़ी, कम्युनिस्ट हसिया, जनसंघ दिया, ये बंधे हुए हैं। और बाकी पार्टियों को चुनाव के 20-25 दिन पहले ही पता चलता है कि उनका कौन सा चुनाव निशान होगा, क्योंकि चुनाव के कायदों में यह लिख दिया गया है कि और जितने लोग हैं वो अपने चुनाव निशान को अपने अर्जी में लिख दें, और अगर कोई चुनाव निशान 2 या 3 आदमियों ने मांग लिया है तो फिर वहां लॉटरी पड़ेगी और जिसको जो लॉटरी में मिल गया वो हो जाए। अब जरा मजा देखिए, 4 तारीख को अच्छी तरह लॉटरियां पड़ी थी, 25 तारीख को पहला चुनाव हुआ जो कि बाद में 12-13 तारीख तक चलता रहा। अगर मैं आपको सोशलिस्ट पार्टी की मुसीबतों को गिनाऊं तो यह न समझना कि कोई मैं शिकायत करता हूं, नहीं,
शिकायत तो दूसरे लोग किया करते हैं। मुझे तो फिर भी कहना है कि सोशलिस्ट पार्टी को इतना बहादुर होना चाहिए कि ये पापी सरकार हाथ पैर बांध करके भी कह दे कि चलो गंगा में तैरो, तो हाथ पैर बंद करके भी तैरने की ताकत होनी चाहिए, इस सरकार को माफ करने की ताकत होनी चाहिए। उसने हाथ पैर बांधे, और कैसे बांधे? जहां जहां डबल मेंबर कंस्टिट्यूएंसीज हैं, एक सवर्ण और एक हरिजन, वहां वहां सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को अलग अलग चुनाव निशान दिए गए। जो सवर्ण है उसको पेड़, अगर पेड़ मिला तो, और जो हरिजन है उसको पंजा या किसान। कांग्रेस, प्रजा, जनसंघ वगैरह का एक ही निशान, बैल समझ लो, तो एक बैल दो जोड़ी वाला, और अगर हरिजन है तो उसके चारों तरफ घेरा, बस इतना ही फर्क। दोनों को बैल, एक घेरे वाला बैल, एक बिना घेरे वाला बैल। लेकिन सोशलिस्ट पार्टी के लिए लड़ दोनों साथ साथ रहे, डबल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी है, जुड़े हुए हैं, लेकिन सवर्ण हिंदू को पेड़ और हरिजन जो वहां खड़ा हुआ सोशलिस्ट पार्टी का उम्मीदवार उसको पंजा। आपके सूबे में भी करीमनगर की पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में यही हुआ, और सारे हिंदुस्तान में यह हुआ। यहां तक मैं आपको बताऊं कि भरतपुर में इलेक्शन ऑफिसर कोई अच्छा आदमी रहा होगा तो उसने एक पेड़ का घेरे वाला पेड़ दे दिया हरिजन को, मालूम होता है ऊपर से उसके ऊपर दांत पड़ी होगी, तो 7 तारीख को घेरे वाला पेड़ उससे छीना गया। अब जरा आप सोचो, 7 तारीख को घेरे वाला पेड़ छीना जाता, अब 8 तारीख को फिर से नए पर्चे छपवाए गए, हमको तो पंजा मिला। ये सारी बातें की गई, तो खैर ठीक है, ये डबल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी के बारे में मैंने आपसे कहा। पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में यहां तक हुआ है कि 7, 8 या 6 जो असेंबली विधानसभा की कंस्टिट्यूएंसीज हैं और एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको अलग अलग चुनाव निशानियां दे दी गई। कहीं कहीं तो ऐसा हुआ है कि सोशलिस्ट पार्टी को पार्लियामेंट के लिए पेड़ का प्रचार करना पड़ा, अपने असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के लिए पंजे का, हरिजन के लिए किसान का, जबकि किसी और असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में उसका खिलाफ आदमी पेड़ पाए हुए। परस्पर विरोधी चुनाव निशानियों के बीच में इसको चुनाव लड़ने पड़े, और खासतौर से उन इलाकों में जहां प्रधानमंत्री के कोई रिश्तेदार या उनके पुराने साथी संगी खड़े हुए हैं, वहां खासतौर से। क्यों ऐसा हुआ इसके ऊपर मैं किसी के नियत पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये हुआ, और ये चीजें अच्छी खुल करके आएंगी कभी लोगों के सामने, आ ही रही है। बहुत सी बातें तो वो खुद खोल दिया करते, तो सर कोई बात नहीं। अच्छा, उसके अलावा जो ये 4 पार्टियां हैं, कांग्रेस यानी बैल से लगा के दिए तक, उनको हरेक कंस्टिट्यूएंसी की वोटर्स लिस्ट मुफ्त में दे दी गई, जिसके मैंने हिसाब लगा के देखा, 8 लाख रुपया सरकार का मुफ्त में इनमें से हर एक पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए दिया गया। अगर कोई दूसरी पार्टी मैदान में आए तो 150 रुपए दे करके एक वोटर्स लिस्ट खरीदे। तो ये बिल्कुल साफ बात है, हिंदुस्तान के विधान की दफा 14 में लिखा हुआ है कि कानूनों का संरक्षण सबको बराबर मिलेगा, और दफा 366 में लिखा हुआ है कि हिन्दुस्तान के लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव बालिग मत पर होगा। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि इस बालिग मत पर किसी तरह की रुकावट नहीं डाली जाएगी, सिर्फ ऐसी चीजों को छोड़ करके जैसे पागलपन वगैरह। इन दो धाराओं को अगर साथ लिया जाए तो इसके साफ मानी होते हैं कि बालिग वोट लेने में और देने में किसी तरह का भी भेद और फर्क नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान के किसी एक नागरिक और किसी दूसरे नागरिक में कोई किसी तरह का भी भेद और फर्क नहीं करना चाहिए। ये दफा 14 और दफा 366 के मुताबिक बिल्कुल साफ होता है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने कायदे कानून, चुनाव चिन्ह और लॉटरी और फ्री वोटर्स लिस्ट के बारे में बनाए हैं, उससे ये दोनों दफाएं, दोनों धाराएं बिल्कुल तोड़ दी जाती हैं, क्योंकि ये 4 पार्टियां
तो पानी में उतारी जाती हैं, बिल्कुल हाथ पैर में मलहम पट्टी करा करके तेल लगा के, और बाकी लोग उतारे जाते हैं, कहीं किसी का हाथ बांध दिया जाता है, कहीं किसी का पैर बांध दिया जाता है, कहते हैं चलो भाई हंडी कैट रेस चलाओ। आप जानते हो कि जो खेल कूद करते हो, अगर कोई बहुत अच्छा पहलवान होता है या खिलाड़ी होता है तो उसको हैंडी कैप दे दिया जाता है। मान लो बैडमिंटन है या और कोई खेल है तो उसमें चार पांच पॉइंट पहले ही से उस बेचारे के नाम लिख दिए जाते हैं। तो शायद हिंदुस्तान की सरकार ने सोचा कि सोशलिस्ट पार्टी इतनी मजबूत पार्टी है कि उसको एक हैंडी कैप दे देना चाहिए, और ये प्रजा और कम्युनिस्ट और बैल पार्टी तो इतनी कमजोर पार्टियां हैं कि उनको जरा हाथ पैर खुला रख करके मैदान में छोड़ना चाहिए। तो खैर इस सवाल के ऊपर तो आगे चल करके अदालत में भी और हिंदुस्तान की जनता में भी बात होगी। फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं आपसे कि अगर हिंदुस्तान की सरकार का यही मतलब है तो ठीक है, कुछ हम लोगों को सोच विचार करना पड़ेगा कि एक मानी में मैं नहीं कहता कि कोई अभी उस पर फैसला कर लेना है, लेकिन जो सवाल है जो मैं आपके सामने रख देता हूं, मेरे सामने तो आ ही गया है कि या तो सच के रास्ते पर चलो, नहीं तो हथियार के रास्ते पर चलो। कम से कम जो सरकार और इलेक्शन कमीशन ने कायदे कानून बनाए उसका तो ये नतीजा निकलता है, क्योंकि जो मौजूदा कायदे कानून है उनके मुताबिक अगर कोई पार्टी ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार खड़ा कर दे तब तो उसको रिकग्नाइज पार्टी का रुतबा मिल जाता है, ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार। जो कोई सड़क पर मिला उस पर बिल्ला चटकाया कि तुम सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हो, तुम कांग्रेस के उम्मीदवार हो, तुम जनसंघी हो, संगठन हो न हो, पार्टी की शर्तें पूरी हो या न हो, उम्मीदवार लायक हो या न हो, लेकिन बिल्ला चिपकाओ ये सोशलिस्ट पार्टी का उम्मीदवार है। सोशलिस्ट पार्टी ने फैसला किया था कि ऐसा काम वो नहीं करेगी, और सिर्फ वही उम्मीदवार खड़ा करेगी जहां पर सोशलिस्ट पार्टी का काम है, उसकी कुछ परिपाटी है, उसका संगठन है, उसके मेंबर है, उसकी बातें लोग जानते हैं सुनते हैं, वहीं पर खड़ा करेगी। तो आपको मैं बताऊं कि सारे हिंदुस्तान में सोशलिस्ट पार्टी ने कुल 35 लोग पार्लियामेंट के लिए खड़े किए थे, 35 में 8 जीते। मैं कोई अपने लिए तारीफ नहीं करना चाहता क्योंकि उसमें भी बहुत बुरा नतीजा है। जिन शर्तों और ईमानदारी के साथ लोग खड़े किए गए थे, अगर वो शर्तें और ईमानदारी सचमुच पूरी तरह से की गई होती तो 35 में 18 जीतने चाहिए थे कम से कम, बल्कि 20 जीतने चाहिए थे। ये सही है कि 3-4 तो हमारे जीते हुए खो गए, इसलिए कि पेड़ और पंजे की कश्मदक्ष में, आप जैसे आप जानते ही हो, जितने ये यूपी में 3 जीते हैं, इटावा वाला, बाराबंकी वाला, ये दो तो बिल्कुल साफ ही इटावा और बाराबंकी, तो वो जनरल सवैन तो जीत गया, हरिजन बेचारा हार गया उसी पंचे की गड़बड़ में। लेकिन खैर उसको आप छोड़ो, जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर कोई पार्टी बहादुर होती है तो, और उसके लोग बहादुर होते हैं तो सब मुसीबतों का सामना करना वो जानते हैं। जब घर में आग लगती है तो अच्छा होता है कि सबके सब उसमें जल के मर जाए, लेकिन ये अच्छा नहीं है कि कुछ तो निकल खा जाए और बच जाए और कुछ उसमें जल जाए। मुझे सोशलिस्ट पार्टी कुछ लोगों के हार जाने तक जरा भी चिंता नहीं, लेकिन जो थोड़ी बहुत चिंता इस वक्त हो गई है वो इसलिए कि जहां तहां मैंने देखा कि इस पार्टी में भी घर में आग लगने के बाद जो आदमी की एक स्वाभाविक तबीयत होती है कि भाई अपनी जान बचाओ चाहे और मरे जले, कुछ पाया नहीं। यहां तक कि कुछ ये भी पाया कि सारे हिंदुस्तान में इस वक्त एक बेवकूफी का स्वार्थ घुसा हुआ है, असली स्वार्थ में बेवकूफी का स्वार्थ। अब जैसे मिसाल के लिए मैं आपको बताऊं कि वोटें पड़ चुकी, अब वोट कोई सूखने वाली नहीं है, उड़ने वाली नहीं, लेकिन बड़े बड़े लायक उम्मीदवार पहुंच जाते कचहरी में वोटों के गिनने के वक्त, अरे भाई वहां पर कोई भी वकील पार्टी का पहुंच करके सारा काम कर सकता है, अभी दूसरे चुनाव बाकी है वहां जाओ, लेकिन उसको न करके अपनी वोटें गिनते हुए जैसे कोई छोटा बच्चा खिलौना
पसंदकर्ता पहुंच जाते हैं। अरे भाई वोट लेंगे नहीं, गायब नहीं होंगे, सूख नहीं जाएंगे, क्यों तुम इतनी गड़बड़ मचाए हुए, कम से कम लोक लज्जा के लिए तो बाहर रहो। अगर मान लो तुम्हारा मन नहीं मानता है और किसी और जगह पर जाकर के अपने किसी और साथी के लिए काम नहीं कर सकते तो चले जाओ गंगा के दूसरी पार, वहीं पर बैठ करके अपना वक्त बिता दो। तो ये सारी चीजें भी सीखनी, तुम्हें कोई तारीफ नहीं कर रहे हो सोशलिस्ट जी की, लेकिन आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हिंद सरकार ने जिन पार्टियों को रिकग्निशन दिया है, अब जैसे जनसंघ उसका कुल एक जीत पाया है, 100 के करीब उसने खड़े किए थे, 100 में एक जीता, तो उस हिसाब से अगर आप देखो सोशलिस्ट पार्टी जिसने 35 खड़े किए थे उसके 8 जीते ना, प्रजा पार्टी प्रजा सोशलिस्ट ने कोई 150-200 खड़े किए थे उनके 16 अभी तक जीते हैं, बहुत जीतेगा तो 20 जीत जाएगा, 150-200 इन पार्टियों ने खड़े किए थे। अब सोशलिस्ट पार्टी के लिए भी सवाल उठता है कि वो भी इन पार्टियों की नकल करके बेईमानी के रास्ते पर जाए और ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को खड़ा करे, चाहे उस इलाके में काम हो या न हो, चाहे लोगों का मन बदला हो या न बदला हो, सिर्फ इसलिए कि उसकी वोटों की तादाद बढ़ जाए और सरकार उसको रिकग्निशन कर दे। एक तो बेईमानी का रास्ता नहीं, दूसरा रास्ता होता है अगर मान लो अगले 2-4 बरस में सोशलिस्ट पार्टी अपने तंजीम को सुधार न पाई, हथियार उठा। सच और हथियार, इन दोनों का एक मुकाबला हिंदुस्तान की सरकार अपने इलेक्शन कमीशन के कायदों से करवा रही। मैं उस पर कोई अभी आपको फैसला नहीं बता रहा हूं। जहां तक सोशलिस्ट पार्टी का सवाल है उसके लिए तो सिर्फ इतना ही कहीं दे रहा हूं कि उसके सामने अब बिल्कुल साफ सवाल आ गया। नंबर एक, उसने कोशिश जरूर की कि वो उसूल पर चले और ईमानदारी से चले, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं और पार्टियों के मुकाबले में तो वो बहुत ही अच्छी रही, इसमें कोई शक नहीं। क्या बैल, क्या दिया, क्या हसिया, क्या झोपड़ी, सबके मुकाबले में वो अच्छी रही। लेकिन अभी इस पार्टी में भी एक दुविधा है, कुछ लोग चालाक बनना चाहते हैं और समझते हैं कि सियासत में चालाकी बहुत जरूरी होती है। तो अब सोशलिस्ट पार्टी के मेंबरों और हिंदुस्तान की जनता को फैसला करना है कि क्या सोशलिस्ट पार्टी को और भी ईमानदार बनना है अगले 5 साल में, या कुछ चालाकी और सीखना। एक तो ये सवाल हल होना है, और भी ईमानदार बनो या कुछ चालाकी सीखो। इतना मैं आपको साफ बता दूं कि मुझ जैसा आदमी तो इस पार्टी से तभी ताल्लुक रखेगा जब चाहे जितनी वक्ती तौर पर मुसीबत आए, लेकिन एक कठोर दिल करके फैसला रहे कि और ईमानदार बने और उसूलों पर चलो और चालाकियां छोड़ो, वो दूसरी पार्टियों के लिए रखो। ये तो पहला सवाल है। दूसरा सवाल, अकेले खड़े रहो या औरों के साथ गठबंधन करो। आप जानते होंगे कि सारे हिंदुस्तान में यही एक पार्टी है जो अकेले खड़ी रही, अकेले, क्योंकि उसूल अकेला है। उसूल तो ऐसा नहीं है ना कि सबको भान नदी के पिटारे की तरह इकट्ठा करके खाली सीटें हासिल कर लो। मैं जानता हूं कुछ पार्टियों के लिए ये चुनाव अब की तरह उसूल के चुनाव नहीं थे, सीटों के चुनाव थे, सर्वाइवल इलेक्शन थे कि किसी तरह से बच करके रहो। अब वो बचे या न बचे तो फैसला वो खुद देंगे, लेकिन आज मुझे आपको ये कहते हुए खुशी होती है कि बंबई की सोशलिस्ट पार्टी ने एक एक सीट को हारा, लेकिन वहां पर उसने अपने रूह और अपनी आत्मा को बचाया। बंबई में आंधी डर गई थी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी की आंधी और दूसरी तरफ संयुक्त महाराष्ट्र समिति और महागुजरात परिषद की मराठी और गुजराती भाषा की आंधी। सोशलिस्ट पार्टी बंबई की चाहती तो वो भी मराठी और गुजराती तूफान में बह करके अपनी 10-15-20 सीटें हासिल कर सकती थी, उसको बहुत मौका मिला था। कुछ पार्टियों ने हासिल किया है, वो कांग्रेस पार्टी जिसकी बंबई में एक भी सीट नहीं हुआ करती थी आज 15-16 हासिल कर ले गई है। वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जिसकी मुश्किल से 6-7 सीटें हुआ करती थी आज 40 सीटें हासिल कर ली गई है।
बंबई और गुजरात की सोशलिस्ट पार्टी चाहती तो वो भी 10-15 सीटें हासिल कर सकती थी, 2-3 लोकसभा में, 4-5 लोकसभा में या 10-15 विधानसभाओं में। लेकिन मुझे दोबारा मैं आपसे कह दूं कहते हुए खुशी होती है कि जबान के तूफान पागलपन में इस पार्टी ने बहना पसंद नहीं किया और इन दोनों पागलों से अलग रह करके उसने अपने चुनाव को लड़ा। और बंबई शहर में जहां ये पागलपन उस हद तक पहुंच गया है कि सब लोग कहते हैं कि करीब करीब वो हालत है जो पाकिस्तान बनने के वक्त थी, लोगों के दिमागों का और दिलों का बंटवारा हो गया है। बंबई शहर में एक तरफ मराठी और दूसरी तरफ गैर मराठी, जैसा कि पाकिस्तान बनने के पहले हिंदू और मुसलमान का हो गया था, वैसी ही हालत पैदा कर दी। मैं इसके लिए सिर्फ संयुक्त महाराष्ट्र समिति को जिम्मेदार नहीं बताना चाहूंगा, मैं इसके लिए कांग्रेस को भी उतना ही जिम्मेदार बल्कि ज्यादा जिम्मेदार बताऊंगा, क्योंकि उसने सूबों के मामले में कुछ ऐसे रास्ते मुख्तलिफ एक दूसरे के खिलाफ परस्पर विरोधी अख्तियार किए कि जिससे ये नौबत हो पाई है। उस हालत में जहां दो पागलों के बड़े बड़े सोने खड़े हो गए हैं, बंबई की सोशलिस्ट पार्टी ने अपने ईमान, अपने रूह, अपने आत्मा को बचाकर अपना खेमा कायम रखा और कम से कम बंबई शहर में उसको सब मिला के 17,000 आदमी तो मिले, 17,000 वोटें पड़ी हैं, वहां एक एक सोशलिस्ट हारा है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई और चुनाव के सभी हलकों में जाने के बाद सबसे पहले मैं बंबई गया देखने के लिए कि अपने लोग वहां कैसे हैं, क्योंकि बंबई में मेरा मन अटका हुआ था, कुछ मेरी अपनी जिम्मेदारी थी। मैंने इन लोगों से कहा था कि तुम अपने आत्मा को बचाना, फिक्र मत करना अपने शरीर की, क्योंकि हिंदुस्तान और दुनिया में वो पार्टियां जो उसूल पर चलती हैं, चाहे वक्ती तौर पर अपना जिस्म खो डाले, मर जाए, लेकिन फिर से पैदा हुआ करती हैं, फिर अपने मुल्क और दुनिया के ऊपर पतह पाया करती हैं। तो उनसे मैंने ये कहा था, उन्होंने खुद भी इस ढंग से सोचा था, उस काम को किया और मैं बहुत खुश हुआ ये देख करके कि बंबई के सोशलिस्टों में व्यक्ति घर के लिए उदासी नहीं आई। मेरे मन में तो थोड़ी बहुत उदासी जब कभी आ जाया करती है। ये सही है कि जब आदमी पुराना हो जाता है तो जो उदासी दिख सच पूछो तो मुझे तो थोड़ा और भी उदास होना चाहिए, क्योंकि आखिर इतने अरसे के बाद जब एक दफे मैं खुद भी चुनाव में उतरा तो जो कोई भी सबक रहे हो हारा, इसमें कोई शक नहीं कि जब इस तरह से हार जीत होती है तो जीतने वाले के लिए तो मैं कहना चाहता हूं कि जो ज्यादा अच्छा आदमी था वो ज्यादा अच्छा संगठन था वो जीता। और जो आदमी और जो संगठन उतना अच्छा नहीं था वो हारा। ये भी मैं जानता हूं कि जीत हार सुख दुख ठंड गरम सबके बीच में आदमी अपने दिल को समान रूप से ले जा सके तो बड़ा अच्छा, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम, बड़ा मुश्किल काम, बड़ी ठेस लगती है। और ऐसे मौके पर जिस्म शरीर तो अपने धर्म को निभाता ही है, हां मन जरूर एक अलग सा बैठ करके उस पर हंसता है कि देखो ये क्या हो रहा है। तो खैर ये सारी चीजें तो हुई, इतना मैं जरूर आपसे कह सकता हूं कि कहो कि मैं कह रहा हूं बनारस के चुनाव के बारे में कि ज्यादा अच्छा आदमी और ज्यादा अच्छा संगठन जीता, लेकिन मैं इतना ही मनाता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी में और मुझ में वो हिम्मत और वो चिपकाव आवेश
जो मोहम्मद गोरी में था और 17 दफे हारने के बाद भी 18वीं दफे कोशिश कर सकता है। कार्यक्रम और कुछ खास खास मौकों के काम पर कोई पार्टी जीत नहीं सकती। मैंने अपनी आंखों से देखा, उठाव आता है, आंधी बहती है, लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब तक गांव गांव में पार्टी के अपने आदमी नहीं रहते तब तक उस गांधी का आंधी का कोई फायदा नहीं आ पाता। इसलिए जहां सोशलिस्ट पार्टी को दो फैसले करते हैं, नंबर एक, क्या वो ज्यादा ईमानदार बने, क्या वो चालाकियां सीखे, नंबर दो, क्या वो अकेले खड़े रहने को जारी रखे। यहां तक कि जैसा बंबई में हुआ मालूम होता था कि एक नया मजहब है, नई किरणें, नई आशा कुछ लोगों को मिल गई, मार खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उस आशा और किरण और नए मजहब के साथ चिपके हुए हैं और मार खाने के लिए तैयार हैं। तो जो हमेशा एक नए मजहब के पकड़ने वालों के साथ हुआ करता है कि मार खाते हुए और मार खाने के लिए वो तैयार रहते हैं, वो बंबई में मैंने देखा। तो अकेले रहो, मार खाओ, लेकिन अकेले रहो, अपने उसूल पर चलते रहो। क्या उसी रास्ते पर चलते जाना है या 10, 5, 20, 50 सीटों की लालच से इधर या उधर समझौते करना है, ये दूसरा फैसला करना है। उसी तरह से तीसरा फैसला करना है। इस सोशलिस्ट पार्टी में आलसी लोगों को जगह नहीं। हो सकता है कुछ लोगों ने गलती की हो, उन्होंने सोचा हो उसूल ठीक, बातचीत ठीक, लिखावट ठीक, कार्यक्रम ठीक, बस उसके बाद सोशलिज्म अपने आप आ जाएगा, बाकी वक्त कॉफी हाउस में जाकर के बैठ करके कॉफी पीते रहो, अपने आप सोशलिज्म आ जाएगा। तो ऐसे लोगों से मैं जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके आप इस पार्टी को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आलसी लोगों को अब यहां जगह नहीं। उसी तरह से मैं और भी कहना चाहता हूं कि जो चालाकी करना चाहते हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं छोड़ के चले जाओ, यहां चालाकी नहीं चलने पाएगी, दिक्कत करोगे अपने लिए, हमारे लिए, क्योंकि जाना तो आपको पड़ेगा। हो सकता है कुछ चालाकी करके साल दो साल और टिके रह जाओ, लेकिन अपनी भी मुसीबत करोगे, हमारी भी मुसीबत करोगे, इससे फायदा क्या। तो इसलिए जिन लोगों ने फैसला कर रखा है कि राजनीतिक चालाकी करना है या दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करना है या आलस रह करके, आलसी रह करके अपने सोशलिज्म को चलाना है, उनसे तो मैं कहूंगा चले जाओ। इस पार्टी ने तो अपनी बुनियादें बिल्कुल दूसरे ढंग की डाली, अब वो एक मतलब को लेके, क्योंकि जहां मैंने और सब नतीजे आपको चुनावों के बताए, एक नतीजा बिल्कुल साफ है कि अब कांग्रेस पार्टी तो हिंदुस्तान में चलती ही चली जाएगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इस पार्टी को थाम करके रखे। हो सकता है कि 2-4-5 बरस के लिए लड़खड़ाते हुए मकान को कहीं एक टेका दे दिया, कहीं दूसरा टेका दे दिया, लेकिन ये गिरने वाला मकान। और ये बात मैं पिछले 8-10 बरस से कहता हुआ चला आया हूं, अब भी मैं हिंदुस्तान की जनता से कहना चाहता हूं कि आखिरी तौर पर इस चीज को समझ जाओ, नहीं तो हर बार अपना वक्त खोओगे। पिछले 5 साल में भी यही हुआ, क्योंकि पिछले 5 साल में आपने देखा होगा कि वक्ती घटनाओं के आधार पर लोगों के दिमाग बदलते रहे। एक जमाना ऐसा था जब हिंदुस्तान के लोगों ने सोचा कि अब तो कांग्रेस बिल्कुल मिटने वाली है, फिर जरा चुनाव जीते या कुछ और हुआ तो पता लगा कि कांग्रेस तो अभी बहुत ताकतवर है, अब की दफे तो खूब जोर से चुनाव जीतेगी।
फिर जरा एक आध बार इलेक्शन हार गई तो कांग्रेस ऐसा लगा कि नहीं अगली दफे तो हारेगी। तो ये वक्ती तरह से अपने दिमागों को बनाने वाले लोगों को, जिनको कोई एक बार इलेक्शन हमेशा हिला दिया करता है, जिस पर वो नतीजा निकाल लेते हैं कि अब तो कांग्रेस का घर जम गया या अब तो कांग्रेस का घर बिल्कुल टूट गया, उनसे मैं कहूंगा अपने दिमाग को ऐसा भूसा वाला मत बनाओ, कुछ जमा हुआ दिमाग बनाओ। पिछले 5 साल के अनुभव ने बताया और दूसरे कई सबक बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तो ढलती चली जाएगी लेकिन एक धड़ाके से गिरने वाली नहीं, ढलती चली जाएगी। क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने पिछले 5 साल में अपने दिमाग को 3-4 दफे बदला। कभी सोचा कि कांग्रेस पार्टी की ताकत बहुत ज्यादा है, कभी सोचा कि कांग्रेस पार्टी खत्म होने वाली, इसलिए ये 5 साल करीब करीब बेकार से चले गए। अब बुनियादी तौर पर अपने दिमाग को बनाना है कि यह ढलती चली जाएगी, और उसके लिए मैं आपको सबक बता देता हूं। जो पार्टी गांधी जी के जमाने में 85% वोट पाती रही हो, 85% वो घट करके 49% पे आ जाए और बढ़ नहीं पाए, उसके लोकसभा में और विधानसभा में उतने ही मेंबर पहुंच पाए जितने 5 साल पहले पहुंच पाए थे, बावजूद 1000 कोशिशों के, तो उसके साफ मतलब होते हैं कि अब ये पार्टी बढ़ नहीं सकती। क्योंकि किसी भी जनता की जिंदगी में जब कोई बड़ी पार्टी थम जाती है, रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती, तो समझ लो अब वो पीछे हटने वाली। क्योंकि राजनीति में कभी कोई इंसान या कभी कोई पार्टी एक जगह पर खड़े नहीं रह सकते, या तो वो आगे बढ़ते चले जाए या वो पीछे हटे। और अगर वक्ती तौर पर जैसा कि अब की दफे हुआ है, इस 5 साल में लगा कि कांग्रेस पार्टी खड़ी रह गई, तो उससे आप ये मत समझना ये खड़ी रह पाएगी, ये तो पीछे हटेगी। और उसके लिए बुनियादी सबक भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी न हिंदुस्तान का और न दुनिया का कोई बड़ा मसला हल कर पाएगी। हिंदुस्तान का नहीं कर पाएगी इसलिए कि उसकी पंचवर्षीय योजनाएं जिस आधार पर खड़ी की गई, खेती और कारखाने, उससे लोग ऊंचे नहीं उठ सकते। और वो आधार कौन सा है? 40 करोड़ गरीबी के दलदल में फंसे हुए हैं, और बड़ी भारी गरीबी, ऐसी गरीबी के सिवाय मिस्र के दुनिया में और कोई मुल्क हमारे बराबर का नहीं, और गोरों के मुकाबले में तो कोई हम 10-20 गुना पीछे, इतना कमजोर है रोटी कपड़े मकान खाने वगैरह के मामले में। तो 40 करोड़ गरीबी के महादलदल में फंसे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि मुल्क को सुधारा जाए, लेकिन उसका तरीका क्या है? उसने देखा कि इन 40 करोड़ को एक झटके से गोरों की सतह पर नहीं पहुंचाया जा सकता, और कोई भी पार्टी नहीं पहुंचा सकती। इतना मैं आपको बता दूं, अगर सोशलिस्ट पार्टी की भी सरकार हुई होती तो इस नामुमकिन था कि सब 40 करोड़ को एक झटके में यूरोप और अमेरिका की सतह पर पहुंचा दे। ये बिल्कुल नामुमकिन बात है, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के लोग जिस दुनिया में और जिस तरह की जिंदगी बसर करने लग गए हैं वो हमारे मुकाबले में 10-20 गुना ज्यादा अच्छी है। तो ये नामुमकिन चीज है कि एक झटके में सबको गोरों की सतह पर पहुंचा दिया जाए। तो फिर क्या किया जाए? 8 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला किया कि अगर सब 40 करोड़ को एक झटके में नहीं पहुंचा सकते तो 40 करोड़ में धीरे धीरे हर 5वें साल 10-5-20 लाख को गोरों की सतह पर पहुंचाओ। बांध, कारखाने, बड़ी इमारतें, सरकारी कामकाज इस ढंग के बनाओ कि उसमें से 10-5-20 लाख आदमी ऊंचे उठते चले जाएं। इसीलिए आप देखते होंगे कि हिंदुस्तान में एक अजीब तरह का पार्टीशन हो गया है। जिना साहब ने तो खाली पाकिस्तान हिंदुस्तान का पार्टीशन करवाया होगा, लेकिन नेहरू साहब तो एक ऐसा पार्टीशन करवा रहे हैं, गोरिस्तान एक तरफ, कालिस्तान दूसरी तरफ, गोरों की तरह रहने वाले लोग 30-40 लाख, अच्छे मकान, अच्छी जगह, अच्छे कारखाने, अच्छी खेती, इस तरह के 30-40 लाख, और दूसरी तरफ 40 करोड़।
अंग्रेजों ने पार्टीशन करवाया था, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अंग्रेजी राज जब आया तो 100-150 साल तक जो उसने मंथन किया उससे ये दो हलके हिंदुस्तान में बने। अब कांग्रेस पार्टी के सामने सवाल था कि वो आगे चल करके 40 करोड़ को किस तरह ऊंचा उठाए, तो उसने उसी पुराने सिलसिले को जारी रखा और जो अंग्रेजों ने 10-30-25-30 लाख गोरों के मानिंद हिंदुस्तान में लोग छोड़े थे उन्हीं की तादाद को कांग्रेसी सरकार हर पांचवें साल 10-15 लाख-20 लाख के हिसाब से इजाफा किया करती है हर पांचवें साल। अब वो सोचती है कि इस तरह से अगर करती रह गई तो कोई 20-25 पंचवर्षीय योजनाएं जब हो चुकेंगी 200-300 बरस के बाद तो सब 40 करोड़ गोरिस्तान में पहुंच जाएंगे, गोरों की तरह रहने लग जाएंगे। ये है उसका तरीका। मुझे आपसे साफ तौर पर कहना है कि ये तरीका कामयाब हो नहीं सकता। इसका लाजमी नतीजा होगा भुखमरी, मारकाट, गड़बड़, इनकलाब या आखिरी दर्जे की सुस्ती, और कोई नतीजा हो ही नहीं सकता। हाँ ये सही है कि जब आप कभी पढ़ो कि जो कोई आता है हिंदुस्तान में वो सर्टिफिकेट दे के जाता है कि हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, अखबार सब सर्टिफिकेट देते हैं हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, प्रधानमंत्री दिन रात चिल्लाते हैं हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, जो देखो वो तरक्की कर रहा है, क्योंकि कहीं बांध बना, कहीं कारखाने खुले, कहीं हवाई जहाज के अड्डों की बढ़ती हो गई, कहीं रेलगाड़ी के स्टेशन सुधर गए, कहीं बड़े बड़े लोगों के मकान सुधर गए, तो ये सारी चीजें हुई। तो खुद आपको अचरज होता होगा कि एक तरफ तो मैं बोल रहा हूं, दूसरी तरफ जितने पढ़े लिखे लोग हैं, विदेशी हैं, अखबार हैं, वो कह रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है, तो आखिर मसला क्या है। मैं खुद इसके ऊपर सोचता रहा तो मसला बिल्कुल साफ है, विदेशी, प्रधानमंत्री और अखबार वाले। 40 करोड़ की गरीबी के दलदल को तो देखते नहीं, लेकिन उस दलदल में जहां तहां जो कमल के फूल खिले हुए हैं उनको देखते, बांध, कारखाने, बड़े लोगों के मकान, सरकारी इमारतें, रेडियो, टेलीफोन वगैरह वगैरह, हवाई जहाज के अड्डे, ये कमल के फूल जहां खिले हुए और वो कमल के फूल हर पांचवें साल तादाद में कुछ बढ़ जाते, तो विदेशी, प्रधानमंत्री और अखबार वालों की आंखें कमल के फूलों के लिए तो खुली हुई रहती है लेकिन 40 करोड़ की गरीबी के दलदल के लिए फूटी रहती। इसलिए वो कहते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है और कोई सबब नहीं। लेकिन जिस सरकार की आंखें 30-35 लाख कमल के फूलों के लिए खुली हुई रहें और 40 करोड़ की गरीबी के दलदल के लिए फूटी रहें, वो सरकार हरगिज हिंदुस्तान की जनता को लंबे अरसे तक अपने हाथ में नहीं रख सकेगी। कांग्रेस पार्टी तो गिर करके रहेगी, क्योंकि इसकी जगह जो सोशलिस्ट पार्टी का तरीका है, हिंदुस्तान गरीब है, सरकार के पास पैसा नहीं हो सकता ज्यादा, तो इसलिए कमल के फूलों की खेती बिल्कुल बंद करो, जो अंग्रेजी जमाने में हो चुकी थी, उसमें जो तब्दीलियां करना है उनको भी करना जरूरी, लेकिन नए कमल के फूलों की खेती बंद करो। जो धन है, जो वक्त है, वो गरीबी के दलदल को पाटने में खर्च करो, इस कीचड़ को पहले पाटो, 10-20-30 बरस का जो वक्त है इसी में लगाओ, जो धन है इसी में लगाओ, नहीं चाहिए चमक दमक, नहीं चाहिए तड़क फड़क, नहीं चाहिए गोरों की नकल करके यहां बड़े बड़े कारखाने और इमारतें और बड़े बड़े रेलवे और हवाई जहाज के अड्डे बनाने, पहले इस कीचड़ के, इस गरीबी के दलदल को पाटो और जब 20-30 बरस के बाद ये दलदल बच चुकेगा तब कमल के फूलों की खेती होगी, और सिर्फ 30-40 लाख की नहीं, सब 40 करोड़ कमल के फूलों की खेती होगी। पहले इस दलदल को पाटो, ये सोशलिस्ट पार्टी का तरीका है। और जो पार्टी इस तरह के सिद्धांत को अपना ले उसके लिए तो जरूरी हो जाता है कि वो उन तीन चीजों को पकड़े, अकेले खड़ी रहे, ज्यादा ईमान पर चले और किसी तरह भी अपने रास्तों में कोई मिलावट न करें। सोशलिस्ट पार्टी
आंध्र प्रदेश वाली के बारे में और वैसे सारे हिंदुस्तान के बारे में एक चीज अलबत्ता मैं साफ कर दूं, वो जरूरी है, क्योंकि अभी जो मैंने जो कीचड़ और दलदल के बारे में आपसे बताया, एक तरफ 40 करोड़ का दलदल और दूसरी तरफ 20, 30, 25 लाख के कमल के फूलों की खेती, तो उसके कुछ नतीजे सोशलिस्ट पार्टी ने निकाले, जैसे हिंदुस्तान में 5 बरस से लगा करके 10 बरस के बच्चों के लिए जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो सब एक ही ढंग के हों, क्या प्रधानमंत्री का बच्चा और क्या ढंगी का बच्चा, क्या दिल्ली और बंबई के करोड़पतियों का बच्चा और क्या मामूली किसान और नौकर पेशे का बच्चा, सब एक ही ढंग के स्कूल में जाएं और ये देहरादून और नैनीताल और ऊटी ये सब स्कूल बंद कर दिए जाएं। ये सोशलिस्ट पार्टी का एक मकसद है, जो अभी मैंने आपसे कहा ना कि पहले कीचड़ को पाटो, दलदल को पाटो, दलदल को खत्म करो, तो ये मसनूई चीजें हैं, इनको बंद करना है। उसी तरह से कुछ और नतीजे भी सोशलिस्ट पार्टी ने निकाले, वो आप सोशलिस्ट पार्टी की किताबों से जान सकते हो जिनको दिलचस्पी हो। मैंने सिर्फ आपको एक ही स्कूल वाली मिसाल दी, लेकिन हो सकता है कि आपके मन में सवाल उठे, और इस सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं संजीवा रेड्डी, वो इस सवाल को उठाया भी करते हैं जहां तहां कि तुम्हारे यहां आंध्र की सोशलिस्ट पार्टी में दो अमीर आदमी हैं और काफी अमीर हैं, पत्री विशाल पित्ती और विजयराम राजू, कोई मामूली अमीर भी नहीं है, तो फिर कैसे ये सारी बातें कहते हो? मैं चाहता हूं कि इस मसले पर आखिरी तौर पर अपने पार्टी के मेंबर और आंध्र की जनता का दिमाग साफ हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बार बार सवाल उठ जाया करता है, ये अच्छा नहीं। पहली बात तो मैं आपसे ये बताऊं कि ये दोनों सोशलिस्ट पार्टी में इसलिए नहीं है कि ये अमीर है, इसलिए है कि ये सोशलिस्ट है, और दोनों जुल्म से लड़ते लड़ते अक्सर जेल जाया करते हैं, गए हुए हैं। हो सकता है कि कांग्रेस मिनिस्ट्री में कुछ लोग जरूर हों जो जेल जाने से डरते हैं और हिचकते हैं और नहीं गए हैं, और इतने पुराने नहीं जितने ये दोनों नौजवान हैं, जुल्म से लड़ने में जेल जाते हैं, गए हैं और भी आगे जाएंगे, ऐसा मुझको यकीन है, इसलिए सोशलिस्ट पार्टी में। और एक इत्मीनान तो मैं और भी कह देना चाहता हूं कि श्री संजीवा रेड्डी के बारे में तो कभी थोड़ा सा ख्याल उठ सकता है कि वो स्कॉलरशिप, ठेके वगैरह के मामले में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, लेकिन कम से कम इन दोनों के बारे में वो सवाल तो नहीं उठ सकता। इतना कह देने पर भी ये सवाल जरूर रहता है दिमाग में कि जब सोशलिस्ट पार्टी ने अपने कुछ उसूल बना रखे, जैसे मैंने मिसाल के लिए कहा कि देहरादून बंद हो, जहां पर एक 7 बरस के बच्चे के ऊपर 300-350 रुपया महीना खर्च होता है, और यह आप याद रखना, प्रधानमंत्री के बच्चे वहीं पढ़ने जाते हैं, 300-350 रुपए महीने का जहां खर्चा होता है 5-7-10 बरस के बच्चे के ऊपर, एक तरफ जबान से सोशलिज्म चलता है, दूसरी तरफ हमारे आपके बच्चे तो 3 रुपए महीने वाले स्कूल में जाते हैं और उनके बच्चे जाते हैं 350 रुपए महीने वाले स्कूल। इन स्कूलों को खत्म करना है, लेकिन कोई सवाल पूछ सकता है कि विजयराम राजू और बद्री विशाल के बच्चे कहां पढ़ने जाते हैं? तो इसका जवाब बुनियादी तौर पर ले लेना है। देश में और दुनिया में क्रांतिकारी तब्दीली करने के लिए 3 रास्ते होते हैं, और हर एक तब्दीली के लिए अपना रास्ता मुकर्रर रहता है। पहला रास्ता कानून और सत्याग्रह, दूसरा रास्ता प्रचार, तीसरा रास्ता
उदाहरण, तीनों की अपनी जगह। अब मिसाल के लिए मैं आपको बताऊं, मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान के लोग शराब पिएं, कम से कम आज की हालत में जबकि लोगों के पास खाने पहनने को भी नहीं है। पता नहीं 30 बरस के बाद मेरी क्या राय होगी, अगर तब मैं हिंदुस्तान में रहा, जब मैं समझता हूं यहां के लोग गरीबी के कीचड़ के दलदल को पार चुके हैं, तब क्या राय होगी। लेकिन अभी तो यही राय है कि शराब नहीं पिए। तो फिर जब इस राय को कैसे हासिल करें, तीन रास्ते। सबसे पहला रास्ता उदाहरण, बिना जबान से कुछ कहे हुए खुद न पी करके लोगों पर असर डालना कि वो भी न पिए। मैं समझता हूं कि जो लोग चाहते हैं या खुद मांस नहीं खाते, और वो आजकल हिंदुस्तान में एक पार्टी ने इस मांस के मसले को बिल्कुल राजनीतिक मसला बना रखा है, तो इसलिए मैं आपको साफ कह देना चाहता हूं कि ये सब चीजें कानून वगैरह की नहीं होती हैं। अगर तुम सचमुच चाहते हो कि तब्दीली हो, तो तुम अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि देखा देखी दूसरे लोगों पर ऐसा असर पड़े कि वो मांस खाना बंद कर दें और एक खास किस्म का मांस खाना बंद करें। ये उदाहरण की चीजें होती हैं। अपनी जिंदगी को ऐसा बना डालो कि उसको देख करके दूसरे लोगों पर असर पड़े और वो भी अपनी जिंदगी उसी धर्रे में डालें। ये उदाहरण। कुछ चीजों में प्रचार होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती कि जिनमें उदाहरण शुरू से नहीं हासिल किया जा सकता, उनमें सिर्फ प्रचार ही चल सकता, दिमाग बदला जा सकता है, और बाद में जब दिमाग काफी तादाद में लोगों का बदल गया तो फिर कानून बना करके वो तब्दीली हो जाया करती है। बच्चों के सिर्फ बात नहीं हुआ करती, उनके मां भी होती है, उनके चाची भी होती है, उनके दादा भी होते हैं, उनके बाबा भी होते हैं। तो हमेशा तब्दीली उदाहरण से नहीं हुआ करती है, तब्दीली वो हुआ करती है जबकि कानून बन जाए और कानून से सब लोगों को मजबूर होकर के एक रास्ते पर जाना पड़े। और इसमें मुझे कोई शक नहीं मालूम होता कि ये दोनों आदमी बद्री विशाल पित्ती और विजय राम राजू उस कानून को लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान में देहरादून, ऊटी और नैनीताल बंद हो जाए और जब सारे हिंदुस्तान के बच्चों को मौका नहीं रहेगा उन स्कूलों में पढ़ने का, तब इनके बच्चों को भी नहीं मौका रहेगा उन स्कूलों में पढ़ने का। ये तो तब्दीली को रोकने वाले लोग हैं जो झूठे मूठे सवाल उठा करके ऐसी बातों में लोगों को फंसा देना चाहते हैं। आप अच्छी तरह जानते हो कि चाहे आपकी जो यहां बैठे हुए हजार तबीयत हो कि कोई तब्दीली हो, लेकिन उस तब्दीली का नुकसान अगर सिर्फ एक आदमी को उठाना पड़ता और दूसरे को नहीं उठाना पड़ता तो आदमी जल जाया करता है। अगर मान लो आज एक कानून बनाई जाए कि किसी आदमी के पास एक मकान से ज्यादा नहीं रह पाएगा, एक मकान बस, और मैं चाहता हूं कि ये कानून जरूर बने। अभी इसके ऊपर सफाई से तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से मैं चाहता हूं एक जल्दी से कमीशन बैठे जो शहरों में मकान की मिल्कियत के बारे में कोई पॉलिसी तय करे। और मैं अब ये करने वाला हूं कि सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से एक कमीशन बैठाया जाए, जैसे गांवों की जमीन के बारे में जमींदारी को लेकर हुआ उसी तरह से अच्छी तरह से तहकीकात करें कि क्या मकान है, कैसे मकान है, किनकी मिल्कियत है, क्या किराया होता है, किस तरह से, और उसके ऊपर एक पॉलिसी बनाई जाए। वक्ती तौर पर एक मैं जो अपनी तबीयत की बात मैं आपसे कहता हूं कि अगर कभी कोई सोशलिस्ट हुकूमत कायम हो तो किसी के पास भी एक मकान से ज्यादा नहीं रहने दिया जाए, बाकी जितने मकान है वो उससे ले लिए जाए, वो समाज की संपत्ति बना दिए जाए और फिर उसमें किराए पर लोग रहें, ऐसा मेरा ख्याल जाता है। अच्छा, अब ये तो कानून हुई, कानून से तब्दीली हुई। अब अगर आप कहो कि कानून की तब्दीली होने के पहले जो सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर हैं वो अपने मकान खत्म कर दें और जो कांग्रेस पार्टी के और दिया पार्टी के और झोपड़ी पार्टी के मेंबर वो अपने मकान कायम रखें, तो ये काम तो सिर्फ साधु महात्मा कर सकते हैं। और वो भी ऐसे झूठे साधु महात्मा नहीं जो हैदराबाद और मद्रास और कलकत्ता, लखनऊ और पटना के मैदानों में विचरा करते हैं, जिनका जिंदगी से ताल्लुक रहता है, वो तो मसनूई साधु महात्मा है, वो जो हिमालय में चले जाते हैं वही कर सकते हैं। इसलिए बुनियादी तौर पर कानून, उदाहरण और प्रचार,
इन तीन की अपनी जगहों को समझ लेना चाहिए। और आगे के लिए जब कभी श्री संजीवा रेड्डी या ऐसे किसी आदमी के मुंह से आप ये प्रचार सुनो कि देखो तो सोशलिस्ट पार्टी की शक्ल, तो सिर्फ मेरी इतनी बात याद रखना कि विजय राम राजू बद्री विशाल पिट्टी श्री संजीवा रेड्डी से कहीं ज्यादा आगे रहेंगे। अगर कभी मौका आया नैनीताल देहरादून ऊटी को खत्म करने का तो वो खत्म करेंगे। लेकिन ये अगर कोई सवाल उठा देता कि देखो आज इनके बच्चों को, देखो आज इनके मकानों को, देखो आज इनके रहने सहने के ढंग को, तो मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि कानूनी तब्दीली लाने के पहले तीन मुख्तलिफ तरीके हुआ करते हैं, एक उदाहरण, दूसरे प्रचार, तीसरे सत्याग्रह। और देश का बहुत जबरदस्त नुकसान होगा अगर हरेक मसले में हरेक इंसान से कहो कि नहीं तुम तीनों तरीकों पर एक साथ चलो, हरेक मामले में अपने जीवन को बदल डालो, उदाहरण से साबित करो कि तुम इस चीज को चाहते हो। कई एक ऐसी चीजें हैं जिनमें उदाहरण नहीं चल सकता, उनमें प्रचार चलता है, उनमें सत्याग्रह चलता है। कुछ ऐसी चीजें जिनमें सिर्फ उदाहरण चलता, जिनमें प्रचार और सत्याग्रह नहीं चलना चाहिए, जैसे मैंने आपको माफिया शराब के बारे में कहा, वो सिर्फ उदाहरण से चीजें होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें उदाहरण नहीं चल सकता, जिनमें कानून की तब्दीली आकर के रहेगी। तो ये चीज हमेशा के लिए आप याद रखें तो ठीक होगा। और खासतौर से ये सोशलिस्ट पार्टी, आपने देखा होगा चुनाव के नतीजों से, यो कोई मुझे बहुत खुशी नहीं है, सही है कम लोग लड़े थे, कुल 35 लोकसभा के लिए लड़े थे, 300 विधानसभाओं के लिए लड़े थे, लेकिन जो कायदे कानून सोशलिस्ट पार्टी ने बनाए थे उसके मुताबिक कम से कम आधे जीतने चाहिए थे, 35 में 18, 300 में 150 नहीं जीते, तो इसके साफ मतलब है कि अभी पूरी ईमानदारी नहीं आई। अगर कोई सोशलिस्ट दूसरी पार्टियों से मुकाबला करके ये साबित कर देगा कि हम अच्छे हैं, तो मैं उससे कहूंगा बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सही है, ये झोंपड़ी वाले तो 200 लड़े, 15-16 जीते, तो वो तो कहीं समझो 15 के पीछे एक जीत पाए, और उसी तरह से अपना मुकाबला निकालोगे तो 35 में से 8 जीत गए हो या 9 जीत गए हो, तो इसके मतलब 4 के पीछे एक जीत गए हो। लेकिन इस तरह के बातें सोच करके अपने दिल को झूठा धागा मत दे देना, ये बुरी बात है, क्योंकि वो दूसरी पार्टियां तो मक्कारी और चालाकी की नींव पर खड़ी हुई, ये पार्टी तो ईमान के नींव पर खड़ी हुई थी ना। इसने तो फैसला किया था कि सिर्फ उन जगहों पे लड़ेंगे जहां 1 सैकड़ा मेंबर बने हों, और जहां 1 सैकड़ा मेंबर बने हों वोटरों के, वहां मैं शक्तियां कह सकता हूं कि कभी किसी हालत में भी हारना नहीं चाहिए। हां कुछ ऐसी जगह हैं जहां खास बातें हो जाए, जैसे बंबई में आंधी आ गई तो वहां हार जाओ, उस हारने में कोई किसी तरह का मन में मलाल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी मान लो कुछ जगहों में हारना हो तो 35 में से 17-18 जीतनी चाहिए थी, 300 में 150 पौने 200 जीतनी चाहिए थी, तो उस सुधार को तो करना है। लेकिन जब ये सुधार चलते रहेंगे तो आगे के लिए जहां कहीं अभी जीते हैं उनसे कुछ आप नतीजा निकालो, कहां जीते इस आंध्र प्रदेश में सोशलिस्ट पार्टी के अखबारों के हिसाब से 16 हैं, लेकिन मुझे अभी पार्टी के आदमियों ने बताया 17 हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अखबारों के हिसाब से 23 हैं, लेकिन मुझे हिसाब लगा के बताया गया कि कोई 25-26 के करीब हो चुके हैं। तो ये 2 जगह हैं, और सब जगहों पे कहीं पे 8 हैं, कहीं पे 2 हैं, कहीं पे 3 हैं, इस तरह से अलग अलग हैं। लेकिन एक तो वो गंगा का इलाका जहां 25 के करीब है, और एक ये गोदावरी का इलाका जहां 16-17 के करीब है। इससे नतीजा निकालो, सोशलिस्ट पार्टी ने घर किया है, किला तो नहीं बना पाई। मेरा थोड़ा सा भरोसा था कि चाहे एक ही साल का वक्त मिला लेकिन उत्तर प्रदेश में किला बनेगा, किला तो नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी खूंटा कर गया, गंगा पे भी और गोदावरी पे भी।
हिंदुस्तान के इन दो इलाकों में, गंगा के इलाके में और गोदावरी के इलाके में सोशलिस्ट पार्टी का खूंटा चढ़ा है और इतिहास इस बात का साक्षी है और मेरा दिल भी कुछ गवाही देता है कि गंगा और गोदावरी के जिन दो इलाकों में जो पार्टी आगे निकल गई, बाकी हिंदुस्तान के इलाके में भी वो अपने मकसद और अपने उद्देश्य और कार्यक्रम को फैला करके रहेगी। गंगा और गोदावरी इन दो इलाकों में सोशलिस्ट पार्टी का खूंटा गढ़ा, किला नहीं बन पाया। अच्छा हुआ एक मानी में, क्योंकि शायद जल्दी में बालू मिले हुए मट्टी में कुछ किला बन भी जाता तो शायद जल्दी ढह जाता, पता नहीं चल पाता कि कहां कमजोरियां हैं। अब पता चल गया कहां कहां बालू है, तो अगर लोग चाहेंगे तो उस बालू के हिस्से को अलग कर सकेंगे और फिर आगे बढ़ सकेंगे। तो सोशलिस्ट पार्टी अपने मकसद और कार्यक्रम को लेते हुए आगे बढ़ती चली जाएगी सारे हिंदुस्तान में, लेकिन खास तौर से इन दो इलाकों में। आपसे मुझे जरूर इतना कहना है कि आखिर सोशलिस्ट पार्टी है क्या, आप ही लोग हो ना। ऐन चुनाव के मौके पर जब जोश आता है, बुखार चढ़ता है कि अब मुल्क बदला, तो उसमें कुछ मजा नहीं। 5 साल में सिर्फ 2 महीने का बुखार जिन लोगों को चढ़ा करता है उनसे दुनिया बदला नहीं करती। एक हौले हौले धीरे धीरे मामूली कुमारी सी बुखार सा तो पूरे 5 साल चढ़ा रहना चाहिए अगर आप सचमुच दुनिया को बदलना चाहते हो। 5 साल में 2-3 महीने के लिए बड़ा बुखार चढ़ जाना, उससे दुनिया बदलती नहीं, देश बदलता नहीं। लगातार मामूली हल्का सा बुखार चढ़ा रहे देश को बदलने वाला है। तो आप लोग कुछ अब फैसले करो। खासतौर से मैंने इस चुनाव में जो हरिजनों, औरतों, आदिवासियों और मुसलमानों के बारे में देखा, उससे तो साफ कह देना चाहता हूं कि आपको और सोशलिस्ट पार्टी दोनों को कुछ बुनियादी परिवर्तन करने पड़ेंगे। सोशलिस्ट पार्टी के कुछ इलाके ऐसे थे आदिवासियों के कि जहां जीत जरूरी होनी चाहिए थी। आप जानते हो बिल्कुल पूरब में जो हमारा पूर्वी सिंहद्वार कहा जाता है, मणिपुर, कहां वो आखिरी जगह है बर्मा से लगी हुई, वहां पर लोकसभा की 2 जगह हैं। मैंने सोचा था दोनों हम लोग जीते क्योंकि हमारा काम वहां पर बहुत बड़ा है। एक जीते दूसरे हार गए। यहां से है वो जगह करीब 2-3 हजार मील दूर, आदिवासी जगह आउटर मणिपुर, वो हार गए, इनर मणिपुर जीत गए। सरदार अचल सिंह हमारा जो नौजवान है वो तो जीत गया और रेशान केशंग हार गया। रेशान केशंग पहले लोकसभा का मेंबर था और सिर्फ वही इलाका नहीं, एक और आदिवासी इलाका है भीलों वाला, जिसके बारे में मुझे पूरा इत्मीनान था कि विधानसभा मध्य प्रदेश और राजस्थान की कम से कम 10 सीटें जीतेंगे और पार्लियामेंट की 2 सीटें जीतेंगे। लेकिन पार्लियामेंट की सीट के बारे में तो आपने सुना होगा राजस्थान वाली कि कांग्रेस को 82,000 वोट मिले और सोशलिस्ट पार्टी को 80,000 वोट मिले। खैर, अफसोस करने की इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो ये साफ आपसे कहना चाहता हूं, जैसे पहले मैंने कहा कि हाथ पैर बांध करके भी तैराक जो तैर पाए वही जीता करता है। और जब कोई पार्टी 2-3 ठीक है उसको चली जाए कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो बैल है कि गाय है, बैल है। मुझे तो गाय जैसी मालूम पड़ी, लेकिन पता नहीं आप लोगों को बैल मालूम होगा। निकाल दिया गया, अच्छा ठीक, तो बस ऐसा ही होने वाला है। आदिवासी इलाकों में जो बिल्कुल शर्तिया जगहें थी वो हाथ से निकल गई, उसका बिल्कुल साफ सबक। सरकार को मालूम था कि ये जगह तो सोशलिस्ट पार्टी जीतेगी, इसलिए अपनी ताकत उसने वहां पर पूरी तरह से भिड़ा दी। रिलीफ,
पैसा बांटना, कम्बल बांटना, अकाल पीड़ित क्षेत्रों में अनाज बांटना वगैरह, ये काम इतना जोरों से कर दिया कि लोग उसकी तरफ कुछ झुक ही गए। तो अब सोशलिस्ट पार्टी को, जो मैं हजार दफे कह रहा हूं, बार बार कहता आया हूं, अब गांठ बांध के रखना पड़ेगा कि अगर किसी इलाके को पूरी तरह से अपने साथ लेना चाहते हो तो उस इलाके में जुल्म के खिलाफ लड़ाई तो बार बार करनी पड़ेगी। एक तरफ विचार बैठ के चले, लोगों का दिमाग बदले, लोगों में किताब पढ़ने या सुनने की आदत आए, और दूसरी तरफ वक्त वक्त पर लोग जेल जाएं जुल्म से लड़ते लड़ते, तब जाकर के सोशलिस्ट पार्टी का वहां किला बनेगा, वरना नहीं बन सकता। एक तरफ दिमाग बदलो, विचार बैठ के करो, विचार जानो, उद्देश्यों को बदलो, अपने सोचने के तरीकों को बदलो, क्योंकि आखिर सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनेगी तो सब सचमुच हिंदुस्तान कब बदलेगा? जब सोशलिस्ट पार्टी का कोई आदमी मंत्री बने तो वो मंत्री का दिमाग कैसा होना चाहिए कि वो अपने दोस्त, अपने जात वाले, अपने बिरादरी, अपने रिश्तेदारों की कोई परवाह न करे और बिना पक्षपात के सारा कामकाज करे? तो वो दिमाग उसका बदलना है अभी से, उसके लिए विचार बैठ के। और दूसरी तरफ जुल्म से लड़कर के जेल जाने की आदत पड़े, ये आदिवासी इलाकों में पूरी तरह समझना होगा। हरिजनों के इलाके में ये बिल्कुल झूठी बात है कि 5 साल में 3-4 महीनों के लिए कुछ सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से हरिजन उम्मीदवार खड़े कर दिए जाएं और मसनूई तौर पर जाकर के लेक्चर दे दें कि कांग्रेस तो सिर्फ 20 स्कॉलरशिप देती है, सोशलिस्ट पार्टी की हुकूमत आएगी तो 50 स्कॉलरशिप देगी। ये सब फिजूल बातें, इनको अब छोड़ो, इस तरह से कामकाज चलता नहीं। हरिजनों के अंदर 2 नमूने अब पकाए, एक है डॉक्टर अम्बेडकर, दूसरे हैं जगजीवन राम। तफसील में मैं आपसे नहीं कह सकता, लेकिन इतना आप याद रखो कि डॉक्टर अम्बेडकर हिन्दुस्तान के बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तियों में थे, और उनकी बात को सोचकर, उनके नाम को याद कर मुझे अक्सर भरोसा आता है हिंदुस्तान के भविष्य के बारे में कि हिंदुस्तान तो ऊंचा उठकर तो रहेगा। कि आखिर चमारों के अंदर इतना बड़ा आदमी, इतना विद्वान, इतना आत्मसम्मान, इतना भरोसे वाला आदमी जो किसी भी बामन बनिया का मुकाबला कर सकता है, किसी भी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो एक भरोसा जमता है कि हिंदुस्तान तो ऊंचा उठकर के रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर में एक जलन थी, स्वाभाविक जलन थी, कई हजार बरस तक उनको और उनके पुरखों को दबाया गया था, तो वो कोहे हुए थे। इतनी जबरदस्त जलन और कोहन थी कि वो सिर्फ चमारों के नेता बनकर के रह गए, हरिजनों के नेता बनकर के रह गए, हिंदुस्तान के सबके नेता नहीं बन पाए, उन्होंने कोशिश नहीं की, जलन इतनी जबरदस्त थी। और इधर डॉक्टर जगजीवन राम, डॉक्टर अंबेडकर के मुकाबले में जगजीवन राम, जिनमें आत्मसम्मान नहीं, विद्वत्ता नहीं, प्रतिभा नहीं, लेकिन जिनमें चापलूसी, जनेऊधारियों की चापलूसी करके अच्छी जगह पर कायम रहो। और जब हरिजनों के बीच में जाओ तो जलन की बातें करो, और जब बाकी सब लोगों के बीच में जाओ तो मिलन की बातें करो। ये 2 नमूने सोशलिस्ट पार्टी को अब नए ढंग के हरिजन और नए ढंग के हरिजन नेता कायम करने होंगे, बनाने पड़ेंगे। और ये नहीं कि 5 साल में एक दफे चुनाव के मौके पर उनको खड़ा कर दिया कि देखो देखो ये हरिजन है, आओ इसको वोट दे दो, ला लो। वो तो लगातार काम करना पड़ेगा, तब इस तरह के नए हरिजन बनेंगे कि जिनमें डॉक्टर अम्बेडकर की विद्वत्ता और आत्मसम्मान हो लेकिन उनकी जलन और कोहन न हो, जिनमें जगजीवन राम की चापलूसी न हो लेकिन उनका मिलन हो, इस तरह के नए आदमी पैदा करने होंगे। और उसके लिए भी जैसा मैंने आपसे कहा, विचार बैठक और जेल का सिलसिला चलाना पड़ेगा। किताबों के लिए हिंदुस्तान की राजनीति की कुछ नफरत सी हो गई, कभी कभी मुझको भी वो नफरत होगी क्योंकि किताब वाले लोगों पर ज्यादा भरोसा किया नहीं जा सकता, लेकिन कभी कभी ये नफरत जब ज्यादा बढ़ जाती तो खतरनाक होती। और जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनमें आजकल मैंने देखा है कि वो अपने को कुछ इतना ज्यादा अकलमंद समझते हैं कि किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझते। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में राजनीति करने वाले लोगों में 90% ऐसे होंगे कि जिनका पढ़ना लिखना सिर्फ अखबार तक रहता, जो कभी कोई किताब नहीं पढ़ते, बिल्कुल बुद्धू लोग हैं और राजनीति करते हैं, हिंदुस्तान की सियासत को चलाते हैं, राज चलाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि दुनिया कैसी है, देश कैसा है, कुछ मालूम नहीं रहता। सुबह पहले जब उठते हैं तो घंटा आध घंटा वो अखबार पढ़ लेते हैं, यही उनकी विद्या है, यही उनका सारा सोचना विचारना है। न गीता रही, न कुरान रहा, न कोई और कोई किताब रही
खैर ये पुराने धर्म की किताबें तो छोड़ दो, जो नई किताबें हैं देश दुनिया की तालीम देने वाली वो भी नहीं रह गई, तो ये सोशलिस्ट पार्टी को बदल देना पड़ेगा। तो खैर मैंने जैसा आदिवासियों हरिजन औरतों के बारे में तो इतना जरूर कह दूं, खैर देख ही लो ये इस मीटिंग की शक्ल बताती, क्या वोट मिलेंगे, खास पत्थर वोट मिलेंगे। जो पार्टी ये सोच बैठती है कि मर्द आएंगे तो उनके पीछे पीछे उनकी औरतें तो आ ही जाएंगी और वोट दे जाएंगी, उस पार्टी का क्या होगा, कहां है औरतें। इसके माने सोशलिस्ट पार्टी के लोग या तो नीरस हैं और या बदमाश हैं कि उनके बीच में औरतें नहीं आती। तो खैर इस मसले पर भी सोच विचार करना होगा। मुसलमानों का कुछ संबंध सोशलिस्ट पार्टी के साथ बिल्कुल नए बुनियादों पर कायम करना पड़ेगा। ये 5 साल में 2-3 महीने वाला रिश्ता बहुत बुरा रिश्ता हुआ करता है, हर तबके से ये रिश्ता खत्म होना चाहिए मुसलमानों से। और मुझे तो कई दफे बड़ा अफसोस होता है जब मैं सोशलिस्ट पार्टी के सालाना जलसों में देख उसे अपनी वोट लेना था, यहां तक कि उस आदमी ने तो 7 महीने तक मेरे एक पुराने किसी लेख को जो हैदराबाद के मैनकाइंड में छपा था बिल्कुल यहां दिल में कहीं जमा करके रखा, घूंटी की तरह पी करके रख गया, 7 महीने तक उसका कुछ पता नहीं चला। और 90% झूठ और 10% सच को मिला करके बनारस के उस चुनाव क्षेत्र में उस लेख का जाके इस्तेमाल किया जहां से मैं चुनाव लड़ रहा था। मैंने एक और लेख भी लिखा जिसमें मैंने कहा है कि कृष्ण का हृदय, कृष्ण तो वे एक हृदय की तरह है जो कि अपने लिए कुछ नहीं करता, दूसरे के लिए दिन और रात मेहनत किया करता। मैं समझता हूं किसी आदमी के बारे में इतनी बड़ी तारीफ कभी नहीं कही गई होगी कि जो अपने लिए कुछ नहीं करता, दिल अपने लिए कभी कुछ नहीं करता, हमेशा दूसरों के लिए टिक टिक करता रहता, दिन रात बिना थकान के करता रहता। मुझे दुनिया की तवारीख में कोई आदमी ऐसा नहीं मालूम होता सिवाय कृष्ण के। कृष्ण ही एक आदमी ऐसा मालूम होता जो दिल के मानिंद दुनिया के लिए रात और दिन बिना एक सेकंड की थकावट के लिए टिक टिक करता रहता है। लेकिन उसके साथ साथ उसने चोरी भी की, वो झूठ भी बोला, उसने धोखा भी दिया, सब कुछ किया। अब मान लो एक लेख जिसमें मैंने ये सारी बातें लिखी हैं पढ़ करके कभी कोई आदमी किसी चुनाव के मौके पर जाके कहना शुरू कर गए तो वो उसने लेख लिखा है कि कृष्ण तो चोर था, तो क्या कहोगे आप उसको, झूठा कहोगे ना। लेकिन खैर ये तो चुनाव है, चुनाव में बहादुर आदमी कभी शिकायत नहीं किया करते और जो जीतने वाले लोग हुआ करते हो तो सब हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई जब प्रधानमंत्री ने हैदराबाद के मैनकाइंड के उस लेख का उद्घाटन किया, क्योंकि एक चतुर और चालाक और कारीगर आदमी अपनी जीत के लिए जो कुछ भी इस्तेमाल करे उसमें कभी किसी तरह की शिकायत नहीं करना चाहिए। मैं तो सिर्फ आपसे एक बात कह रहा हूं कि मुसलमानों के मसले पर कश्मीर को लेकर के जो प्रधानमंत्री ने उछाला और 20 दिन चुनाव के दिनों में वोट दे दी,